हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। आज मैं आप सब लोग को बेबी बाथ गाउन बनाना बताऊँगी। आप किसी ओल्ड टॉवल से भी बना सकते हो बेबी बाथ गाउन। मैंने तो न्यू टॉवल से बनाया है। पहले मैं एक ओल्ड टॉवल का बना रखी थी, सो मैं उसका नाप ले रही हूँ। आप किसी बड़े टी शर्ट का नाप ले सकते हो बच्चे का टॉवल, क्योंकि बाथ गाउन हमेशा बड़ा साइज ही रहता है ताकि बात करते टाइम आसानी से पहना जा सके। ये मैं फोर फोल्ड सबसे पहले कर रही हूँ। उसको मैं मुझे जितनी फैब्रिक की ज़रूरत है मैं उतना कट करके निकाल ले रही हूँ। बाकी मैं स्लीव और नेक के लिए अलग कर ले रही हूँ। और ये आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे फोर फोल्ड कर रही हूँ। इस तरह से फोल्ड करने से क्या होता है कि मुझे फ्रंट का कट नहीं करना पड़ेगा। फ्रंट ओपन रहता है, सो मुझे फ्रंट का कटिंग नहीं करना पड़ेगा। अगर बॉर्डर पर कोई डिज़ाइन होगी तो बॉर्डर पर वो डिज़ाइन रह जाएगी, मुझे अलग से डिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा। सो मैं अब नेक की कटिंग करूँगी। नेक मैंने 3 ले लिया है और मैंने 4 आर्म होल ले लिया है, सॉरी आर्म होल मैंने 6 लिया है। आप देख सकते हो मैंने निशान लगा लिया। अब मैं इसे कट कर लूँगी। फ्रंट पार्ट का नेक मैं कट नहीं करूँगी। बैक पार्ट का नेक मैं 1/2 इंच डीप करूँगी सिर्फ, क्योंकि मुझे कैप लगानी है। देखिए अब मैं इसे साइड कर लूँगी। अब मैं स्लीव की कटिंग करूँगी। स्लीव की कटिंग आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। स्लीव तो बड़ा ही रहेगा और काफ़ी लूज भी रहेगा। ये देखिए मैंने स्लीव की कटिंग कर ली है। अब मैं इसकी स्टिच करूँगी। कैप मैं बाद में कटिंग करूँगी। स्टिच करने के दोनों कंधा जब जॉइंट कर लूँगी तो फिर उस हिसाब से मुझे साइज़ का आइडिया लगेगा कि मुझे कितने साइज़ का कैप कट करना है। अब मैं इसे कंधे को जॉइंट कर लूँगी। बॉर्डर में फोल्ड करते टाइम एक ही साइड में है, एक साइड में कटिंग वाली एरिया आई, तो सो मैं बॉर्डर में पाइपिंग लगी हुई थी वो मैं पाइपिंग निकाल रही हूँ, क्योंकि एक साइड में अच्छा नहीं लगेगा, दोनों साइड में ही अच्छा लगेगा। मैं इसे स्टिच कर लूँगी फोल्ड करके। ये मेरी स्लीव है। अब मैं इसमें स्लीव ज्वाइंट करूँगी। ये देखिए मुझे साइड से मैंने ऐसे फोल्ड किया है, मुझे साइड से सिलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। आप भी ऐसे ही फोल्ड करना। ये मैंने स्लीव जॉइंट कर लिया है। अब मैं कैप की कटिंग करूँगी। मैं गले का प्रॉपर नाप ले लूँगी। ये देखिए मैं वो कंधा जब मैं जॉइंट कर लूँगी तो उसका ग्राउंड में मैं प्रॉपर उसका नाप ले लूँगी 2 फोल्ड करके। अब आप ध्यान से देखिएगा मैं कैप की कटिंग कैसे कर रही हूँ। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान और बहुत ही कम टाइम में बन के रेडी हो जाए। और अच्छा तो इतना लगता है कि बच्चों को बहुत पसंद आएगा। मेरी बेबी को तो बहुत, वो जब देखी तो बहुत खुश हो गई। किसी रेडीमेड से कम नहीं है ये। आप बना के ट्राई कर सकते हो। ये देखिए मैंने कैप की कटिंग कर ली। अब मैं साइड से इसे ज्वाइंट कर लूँगी। ये देखिए मैं इसे साइड से ज्वाइंट कर लूँगी। कैप रेडी हो गया, बहुत जल्दी रेडी हो जाता है और बहुत ही आसान भी है। आप भी इस तरह से बना के ट्राई करना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं इसे ज्वाइंट कर ली। कैप को ज्वाइंट करके मैं अब इसे स्टिच करूँगी। मैंने पहले से एक टॉवल बना रखी थी बाथ गाउन, सो मैं उसी का नाप ले ली। आप किसी जो आपकी बेबी का बाथ गाउन बनाना होगा उसका कोई बड़ा साइज़ का टी शर्ट ले लेना, आप उसका नाप ले लेना। कंधा हमेशा बड़ा करना, आर्म होल आप हमेशा ज़्यादा ही करना। मेरा तो 6 किया है।
ये देखिए कैप भी रेडी हो गया। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना तो ये बहुत प्यारा लगेगा। अब मैं डोरी की मैंने कटिंग करी है, ये देखिए अब मैं डोरी की कटिंग करूँगी, मुझे डोरी भी लगानी है साइड में। अब मैं इसे ज्वाइंट कर लूँगी और फोल्ड करके स्टिच कर दूँगी इसे। डोरी के लिए कपड़े नहीं बच रहे थे, बहुत कम बच रहे थे, तो सो मैंने दो बार दो छोटे छोटे काट के एक में ज्वाइंट कर लिए। ये देखिए डोरी डालने के लिए मुझे मैंने कट किया है। देखिए अब ये मैं साइड में लगा दूंगी ताकि मेरी डोरी आसानी से ऐसे पड़ सके। ये देखिए मैंने साइड साइड से भी स्टिच कर लिया है, तीन लाइन मैंने स्टिच किया है ताकि वो दिखने में बिल्कुल रेडीमेड की तरह लगे, ये ना लगे कि हाथ का बना हुआ है। फिनिशिंग होगी तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि हाथ का बना हुआ है। ये मैं थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लूँगी क्योंकि बच्चों को ये सब चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, कार्टून वगैरह, उसके ईयर, नोज़, आइज़ मैं बना रही हूँ। ये सबसे पहले तो मैं इसे ईयर बना रही हूँ, जो भी टुकड़े उकड़े बचे हैं मैं सब सारे जोड़ ओड़ के इसको काफ़ी क्यूट क्यूट सा बना रही हूँ। आप भी ट्राई करना, आपके बेबी को बहुत पसंद आएगा। बच्चे तो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं ये सब पहनने के लिए, पर बहुत लोग काफ़ी कॉस्टली होने की वजह से नहीं खरीद पाते हैं। और ये तो बिल्कुल भी इसमें मतलब आप पुराने टॉवल का भी बना सकते हो, नए टॉवल भी आप 250-300 का ख़रीद के बना सकते हो इस तरह से। और अपने हाथ का बना के पहनने का कुछ और ही बात होता है, वो अलग ही एक खुशी होती है। बच्चे भी बहुत खुश होते हैं कि मम्मा ने मेरे लिए कितना अच्छा सा बनाया है। जी मैं इसके ईयर को ज्वाइंट कर रही हूँ कैप में। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ हाथ से बनाना, बहुत ज़्यादा ही मुझे पसंद है, सो मैं बनाती हूँ। दूसरा ईयर मेरा रेडी हो गया है। देखिए अब मैं इसे भी ज्वाइन कर लूँगी। अब मैं थोड़ा सा बो लगा दूँगी, बच्चों को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं और अच्छी भी लगती हैं। बच्चों की ड्रेस में ये सब कार्टून वगैरह, बो वगैरह, और गर्ल्स है तो मैं गर्ल्स की तरह बना रही हूँ, अब बॉयज़ होगा तो बॉयज़ की तरह आप कुछ डेकोरेट करना। जी मैं नोज़ बना रही हूँ ब्लैक वेलवेट से, वो भी मैंने ये पिंक वेलवेट से बनाया है। आप अपने हिसाब से देखना, आपके पास जो भी कपड़े के छोटे मोटे टुकड़े उकड़े बने होंगे आप उस हिसाब से डिज़ाइन करना। ज़रूरी नहीं कि आप भी ऐसे ही बनाओ, ईयर ही बनाओ, आप अपने दिमाग से कुछ भी कर सकते हो। मेरी बेबी गर्ल है तो मैं गर्ल के अकॉर्डिंग ही बना रही हूँ। देखिए नोज़ भी मैंने अटैच कर लिया, देख आप देख सकते हो कितना क्यूट लग रहा है ये। ये बनने के बाद ना वाकई में बहुत प्यारा लग रहा था, मेरी बेबी देखी तो बहुत खुश हो गई है। मैंने जेब की भी कटिंग कर ली थी पहले से, आपको मैंने कटिंग दिखाई है, अब मैं इसे ज्वाइंट कर लूँगी। मैं दोनों साइड में जेब लगा रही हूँ, आप नहीं मैं एक साइड में जेब लगा रही हूँ, आप चाहो तो आप दोनों साइड में जेब लगा सकते हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये मतलब फैशन के लिए लगाते हैं, बच्चों को अच्छा लगता है कि मेरे कपड़े में इतने जेब हैं उतने जेब हैं, तो मैं बस ऐसे ही लगा रही हूँ। हालांकि जेब की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए मैंने पैच पहले से बना रखा था, उसमें थोड़े से स्कर्ट ज्वाइंट करने थे, पैच का ऊपर बना लिया था नीचे का नहीं, तो वो मैं कर रही हूँ। बेबी गर्ल है ना तो मैं उस हिसाब से फ्रॉक स्टाइल में पैच बना के लगा रही हूँ। आप रेडीमेड पैच भी लगा सकते हो, मैं रेडीमेड नहीं लगा रही हूँ, हाथ का बनाया हुआ, मुझे हाथ से बनाया हुआ सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं लगभग लगभग हर चीज़ ही हाथ से ही बना के लगा देती हूँ। आप रेडीमेड अगर आपको पैच बनाना नहीं आता है
आप रेडीमेड भी लगा सकते हो, ऐसा भी नहीं भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप पैस लगाओ, पर बच्चों के कपड़ों में थोड़ा ये सब एक्सेसरीज लगाओ तो काफ़ी अच्छा लगता है। ओके रेड।